के लिए मूवमेंट है, सभी जनपदों से बताया जा रहा है। LIU की यहाँ की रिपोर्ट है कि यहाँ से भी कुछ लोगों का मूवमेंट है। जो आयोजक हैं उनसे बात हो गई है, किसी भी तरीके का कोई लॉ ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है। बाकी पुलिस ड्यूटी हमने ट्रैफिक ड्यूटी और पुलिस ड्यूटी इसके लिए लगा दी गई है। हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हिंदू जागरण मंच व RSS के वैचारिक संगठन उन्नाव से लगभग 15,000 लोग उन्नाव से आज रात की 10 बजे कूच करेंगे। 200 बसों लगाई गई हैं जिससे यहां से अयोध्या के लिए कूच करेंगे और मंदिर भव्य बने, इसका हम सब लोग एक संकल्प ले रहे हैं। आज जो हिंदू जागरण मंच ये यात्रा निकाल रहा है, जन जागरण संकल्प यात्रा है। हर एक बच्चा बच्चा राम का है, जन्मभूमि के काम का है। ये संकल्प लेके हम सब अयोध्या कूच करेंगे और भव्य मंदिर बने ऐसा सरकार से निर्माण करने के लिए मांग करेंगे। काशी से ही नहीं, अभी तो हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान से कम 20 करोड़ हिंदू भाई हमारे पहुंच रहे हैं अयोध्या में। और हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है और जल्द ही आप लोग वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और भव्य राम मंदिर जल्द ही बनने जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते धर्म संसद का आयोजन किया जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राम मंदिर मुद्दे ने अब भारत में तूल पकड़ लिया है। आज वाराणसी से सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या की ओर रवाना हो चुके हैं, जो कि कल अनेक संत साधुओं के साथ और शिवसेना के लोगों के साथ धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। अरिमा द्विवेदी, ETV, वाराणसी। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, आगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल राम मंदिर चाहिए। और हम दोनों जगह मजबूत हैं और राम मंदिर के पहले हमारा कोई समझौता नहीं। इसमें हम किसी बात पर अपने लोग कोई अपने को वापस नहीं करेंगे जब तक राम मंदिर हमारा भव्य राम मंदिर अयोध्या में नहीं बन जाएगा। कल हम लोगों का जो भी श्री राम जी को मानते हैं सभी लोग, चाहे वो बजरंगी दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या किसी राजनीतिक संगठन का व्यक्ति हो, हम सभी लोग वहाँ जाएंगे। कल हम लोगों की एक धर्म सभा है, उसमें बैठ के हम लोग अपने श्री राम जी का भव्य मंदिर कैसे बने वहाँ चिंतन करेंगे और कल ही एक कोई डेट निर्धारित होगी जिस पर हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ मंदिर का निर्माण